subscribe to my channel for more amazing content. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। एज यू नो फ्रेंड्स कि अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो है चालू हो गई है और 8 तारीख से जो है आप लोगों को ये चालू होते हुए देखने को मिल रही है। नाउ अगर मैं डिस्काउंट्स की बात करूं तो फ्रेंड्स फ्रेंकली स्पीकिंग काफी अच्छे खासे डिस्काउंट्स हैं। ठीक है, देखिए क्या होता था कि पुराने टाइम पे बहुत ज्यादा अपोज होता था जब ये लोग अपनी डायरेक्ट प्राइस को जो है कम कर देते थे। सो डिस्पाइट ऑफ दैट व्हाट दे हैव डन इज कि प्राइसिंग जो है लगभग थोड़ी इन लोगों ने कम की हुई है, लेकिन जो डिस्काउंट आप लोगों को SBI कार्ड के डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिल रहा है वो काफी ज्यादा अच्छा खासा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेफरेंस के तौर पे बात करूं, सो दिस iPad Air 5 फिफ्थ जनरेशन, इसकी जो प्राइस है अभी इन लोगों ने 46,000 रुपीस कर दी है और ऊपर से आई थिंक 2500 या 3000 रुपए का ऑफ और भी आप लोगों को देखने को मिलता है। सो दिस गोज अराउंड 43,000 रुपीस। और मैं इस टैबलेट को काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। द रीजन बींग इज मेरे फ्रेंड को लेना था और हमने थक हार के जो है इसको कम से कम कीमत में भी 50,000 रुपीस का खरीदा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा खासा प्राइस डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है इफ यू गो फॉर डेफिनेटली हायर रेंज ऑफ टैबलेट। लेकिन बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अंडर 20,000 रुपीस टैबलेट के बारे में। तो जी हाँ, उसमें लगभग आप लोगों को 1500 से 2000 रुपए का डेफिनेटली जो है यहाँ पे ऑफ देखने को मिल रहा है नॉर्मल डेज से। नाउ यहाँ पे एक चीज आती है कि SBI के क्रेडिट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग। हो सकता है बहुत लोगों के पास में हो, लेकिन उसमें बहुत वेरिएशन मैंने यहाँ पे देखा हुआ है। द फर्स्ट वेरिएशन विच आई हैव सीन इज कि SBI के जो वीजा कार्ड्स हैं उन पे कम ऑफर मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन SBI के जो मास्टर कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उन पे आपको अच्छा खासा ऑफर मिल रहा है मैक्स टू मैक्स। और SBI क्रेडिट कार्ड जो रुपए वाले कार्ड हैं उन पे भी आपको जो है यहाँ पे काफी ज्यादा ऑफर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास में SBI का क्रेडिट कार्ड है, मेक श्योर यू चेक कि वो वीजा वाला है, मास्टर कार्ड वाला है या फिर रुपए वाला है। अगर वीजा वाला है तो मेक श्योर कि आप कोई दूसरा वाला जो है कंपनी का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ले ले, SBI का मास्टर कार्ड या फिर आपका रुपए। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों टैबलेट्स के लिंक की। नाउ अगर आप लोग मोबाइल पेज पे देखें तो आप लोगों को उतना कुछ समझ में नहीं आएगा, क्रिस्टल क्लियर कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज एक दो चीजें ही खुलती हैं मोबाइल पे एट ए टाइम। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों डेस्कटॉप मोड पे जो है क्रिस्टल क्लियर कंपैरिजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नाउ ये वाला पेज आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिलने वाला नहीं है। इसके लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। व्हाट्सएप का मैंने चैनल खोला हुआ है, वहां पे जाके जो है आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों और कुछ टैबलेट्स की, तो यहाँ पे अंडर 20,000 अगर आप लोग टैबलेट लेना चाहते हैं देन डेफिनेटली गो फॉर इट। इससे ज्यादा स्वीट टाइम जो है मुझे नहीं लगता कि कोई टैबलेट आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा। दो चीजें हैं, एक तो प्राइस जो है जिस प्राइस पे बिकती हैं वो थोड़ी इन लोगों ने कम की हुई है, और साथ में जो कार्ड्स के जो डिस्काउंट है वो इन लोगों ने जो है अच्छे खासे दिए हुए हैं। नाउ इस पेज पे आप लोगों को जो सैमसंग के न्यू टैबलेट्स लॉन्च हुए हैं, सैमसंग टैब FE, S9 FE और S9 FE Plus, वो भी जो है आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं उनके वैल्यू फॉर मनी की तो डेफिनेटली फ्रेंड्स थोड़े मुझे ये ओवर प्राइज्ड रेंज पे लगे। अगर आपके पास इतना ही बजट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में 54 या फिर 55,000 रुपीज बजट है, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टिल रिकमेंड करूंगा कि iPad Air 5 फिफ्थ जनरेशन जो है आप लोग यहाँ पे 256 GB वाला लें। ठीक है, और एक और चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि मेक श्योर कि आप लोग 64 GB वाला वेरियंट बिल्कुल अवॉइड यहाँ पे करें, बिकॉज यूज कर लोगे लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है आपको एक चीज यूज करने के लिए दूसरी चीज जो है यहाँ पे डिलीट करनी हो सकती है। द रीजन बीइंग इज धीरे धीरे हमारी जो नंबर ऑफ यूजफुल एप्स हैं उनको करने का जो है दायरा बढ़ रहा है, और जो धीरे धीरे डेटा है दोस्तों वो एक्यूमुलेट होते रहता है। सो यूट्यूब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ iPad Air 2019 थर्ड जनरेशन, इसमें यूट्यूब अकेले का साइज है 23 से 24 GB। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि एप्स धीरे धीरे कितना ज्यादा जो है यहाँ पे स्पेस घेरती हैं, और हर ऐप से जो है आप लोग डेटा डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो है आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों मेरे इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा वैल्यू मिली होगी।